स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स कुल्हाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ़ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एम फिजिक्स सेमेस्टर वन क्लासिकल मकैनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हैमिल्टन जैकॉबी इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन तो स्टूडेंट्स जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन है वो एक पार्ट है हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी का या फिर आप कह लो हैमिल्टन जैकोबी मेथड का जो कि एक बहुत ही अच्छा मेथड है टू सॉल्व अवर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आज के इस वीडियो में हम ड्राइव करेंगे हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन साथ के साथ उसका सोल्यूशन भी देखेंगे और ये जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन है बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल में लाई जा सकती है इसी इक्वेशन की हेल्प से हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियोज़ में बट अगर आप हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको हैमल्टोनियन मकैनिक से रिलेटेड जो पिछले वीडियोस थे चाहे वो इंट्रोडक्शन टू हैमल्टोनियन मकैनिक्स हो जिसमें हैमिल्टोनियन फंक्शन के बारे में आपको बताया गया था चाहे वो हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल हो और सबसे बड़ी बात आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हेमल्टन जैकोबी इक्वेशन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो इन सभी वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए जिनके लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे क्लासिकल मैकेनिक्स की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है उसमें ज़रूर मिल जाएंगे तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि हेमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव करेंगे इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे द हेमल्टनस इक्वेश ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल्स क्यू के एंड पी के आर हम जानते हैं हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं फॉर द वेरिएबल्स क्यू के एंड पी के दो होती हैं हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन एक होती है पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय करली क्यू के और दूसरी होती है करली क्यू के डॉट इज इक्वल टू करली एच बाई करली पी के ये हम पिछली वीडियोज में बहुत बार देख चुके हैं और इनको हम ऑलरेडी ड्राइव भी कर चुके हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम ओल्ड सेट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट से न्यू सेट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाते हैं टू सॉल्व अवर मैकेनिकल प्रॉब्लम और यहाँ पर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे ओल्ड वेरिएबल्स क्यूके पी के का टू न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स कैपिटल क्यूके एंड कैपिटल पी के ये हैं ओल्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया कैनोनिकल टू न्यू सेट ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स क्यू के एंड न्यू सेट ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी के तो जो हमारे पास न्यू सेट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी वो बिल्कुल इसी प्रकार की होंगी बट जहाँ पर स्मॉल क्यू है वहाँ कैपिटल क्यू आ जाता है और जहाँ स्मॉल पी है वहाँ पर कैपिटल पी आ जाता है हेमल्टनस इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इन वेरियंट रहती हैं अंडर कनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन उनकी फॉर्म जो है वो एज इट इज रहेगी बट यहाँ पर हम जो हमारे न्यू सेट हैं पोजिशनल मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स उनकी बात करेंगे तो पी के डॉट की जगह आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल पी के डॉट और इस एच की जगह आ जाएगा हमारे पास न्यू हेमल्टोनियन जिसको हम एच डैश से डिनोट करेंगे दिस इज दैमल्टोनियन कोरोस्पॉन्डिंग टू न्यू सेट ऑफ वेरिएबल क्यूके एंड कैपिटल पीके यहां ऑलरेडी पिछले वीडियोज में आपको बता चुके हैं कि एच डैश क्या होता है और नीचे स्मॉल क्यूके की जगह आ जाएगा कैपिटल क्यूके इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे इसी तरह से इस स्मॉल क्यूके डॉट की जगह आ जाएगा कैपिटल क्यूके डॉट दैट विल बी इक्वल टू करली एच डैश एच डैश इज न्यू हैमल्टोनियन एंड पीके की जगह आ जाएगा कैपिटल पीके इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं तो इन्ही फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने न्यू वेरिएबल्स कैपिटल क्यूके एंड कैपिटल पी के लिए हैमल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली थी जिसको हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दिया था जहां पर एच डैश जो था वो था न्यू हैमल्टोनियन कोरोस्पॉन्डिंग टू न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स कैपिटल के एंड कैपिटल के बट स्टूडेंट्स अगर हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार की हुई मीन्स हम ओल्ड सेट ऑफ़ वेरिएबल्स को न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स में इस तरह से कन्वर्ट करें कि हमारा जो एच डैश है वो जीरो हो जाए न्यू हेमल्टोनियन अ सिस्टम बिकम्स जीरो तो उस केस में हमें ये एडवांटेज रहता है कि जो हमारे न्यू वेरिएबल्स होते हैं क्यू के एंड कैपिटल पी के के भी यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में होगा वो कॉन्स्टेंट्स इन टाइम हो जाएंगे अगर वो कॉन्सटेंस इन टाइम हो जाएंगे तो हमें अपने सिस्टम को इवॉल्व करने में ज़्यादा आसानी रहेगी और हमारी जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है अगर हम एच डैश को जीरो कर दें तो एच डैश को जीरो करने से क्या क्या हमें फ़ायदा मिलेगा आइए वो देखते हैं नाउ इफ वी इफ़ वी रिक्वायड दैट आवर न्यू हेमल्टोनियन एच डैश इक्वल टू देन फ्रॉम वन एंड टू वी हैव अगर हम कैपिटल स्मॉल क्यू के से स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के से कैपिटल क्यू के कैपिटल पी के की तरफ इस तरह जाएं इस तरह कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें कि एच डैश जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा अगर यहां पर आप एच डैश की जगह जीरो पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो उसका मतलब ये है पी के डॉट जो है वो जीरो हो जाएगा और और अगर आप यहां पर एच डैश की जगह जीरो पुट कर देते हैं तो उसका मतलब यह है कि क्यू के डैश जो है वो भी जीरो हो जाएगा तो अगर पीके डॉट जीरो हो गया इसका मतलब डी पी के बाय डी टी इज़ इक्वल टू जीरो हो गया क्योंकि डॉट का मतलब होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मीन्स डी बाय डी टी होता है इसका मतलब तो मीन्स अगर क्यूके डॉट इक्वल टू जीरो हो गया मीन्स डी क्यूके बाय डी टी इक्वल टू जीरो हो गया और अगर किसी चीज़ का टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है तो मीन्स पी के जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और उस कॉन्स्टेंट को हम अल्फ़ा के मान लेंगे इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं पी के इज इक्वल टू के आ गया मीन्स पी के कॉन्स्टेंट हो गया उसके बाद यहाँ से क्यूके जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि क्यूके का टाइम डेरिवेटिव जीरो है और इस कांस्टेंट को हमने मान लिया बीटा के तो इसका मतलब ये है कि अगर एच डैश जीरो हो जाता है हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ऐसी हैं क्यूके पी के से अगर हम कैपिटल क्यूके कैपिटल पी के में जा रहे हैं इस तरह से ताकि हमारा एच डैश जीरो हो जाए तो उसकी वजह से जो हमारे न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं पी के एंड क्यू के वो कॉन्सटेंट्स हो जाते हैं और कॉन्सटेंट्स होने से क्या होगा आइए वो देखते हैं वी नो दैट न्यू हैमल्टोनियन एच डैश इज़ रिलेटेड टू ओल्ड हेमल्टोनियनियन एच बाय द रिलेशन जब हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन वाला टॉपिक किया था तो वहाँ पर हमने चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस देखे थे और हमने वहाँ पर जाना था कि जो हमारा न्यू हेमल्टोनियन होता है एच डैश वो ओल्ड हेमल्टोनियन एच से किस तरह से रिलेटेड होता है उन दोनों में ये रिलेशन होता है एच डैश इज इक्वल टू एच प्लस कर ली एफ बाई कर ली टी यहाँ पर एच डैश है न्यू हेमल्टोनियन एच है ओल्ड हैमिल्टोनियन और एफ है यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन ये इक्वेशन हमने इकोनोनिकल ट्रांसफॉर्मेश्स एंड जनरेटिंग फंक्शन वाले वीडियो में ड्राइव की थी तो वो यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है बट हमने तो एच डैश को जीरो कर दिया है तो उसकी वजह से जो फिफ्थ इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी नाउ इफ एच डैश इक्वल टू जीरो देन फ्रॉम फाइव जीरो विल बी इक्वल टू एच प्लस कर ली एफ बाई कर ली टी ये होगी हमारी सिक्स इक्वेशन तो स्टूडेंट्स सिक्स इक्वेशन को ही आगे हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम सिक्स इक्वेशन तक पहुंच चुके थे जो कि थी एच प्लस कर ली एफ बाई कर ली टी इक्वल टू जीरो ये हमारी सिक्स इक्वेशन थी अब सिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए एफ यहां पर कौन सा चूज करेंगे हम हमने पता है कि जो जनरेटिंग फंक्शंस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर जो हमने पूरी डिटेल में इकोनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए थे अब उन चारों जनरेटिंग फंक्शंस में से हम कौन सा जनरेटिंग फंक्शन यहां पर लेंगे ताकि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए वो हम लेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टाइप टू क्यों लेंगे आइए उसको भी मैं आपको बताता हूं लेट अस टेक एफ इज इक्वल टू एफ टू क्यूके पी के एंड टी ये है हमारा जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सेकेंड टाइप जो कि फंक्शन होता है स्मॉल क्यूके कैपिटल पी के एंड टीका ये जब हम जनरेटिंग फंक्शन कंसिडर करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेश मिलती हैं वो कुछ इस प्रकार से मिलती थी पी के इज इक्वल टू करली एफ टू बाय करली क्यूके देखिए यहाँ पर स्मॉल पी के नहीं है तो स्मॉल पीके को हम ड्राइव कर सकते हैं करली एफ टू बाय करली क्यूके करके यहाँ पर कैपिटल क्यूके नहीं है कैपिटल क्यूके को हम ड्राइव कर सकते हैं करली एफ टू बाय करली कैपिटल पी के करके इस जनरेटिंग फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें ये दो इक्वेशंस मिल रही थी इनमें साइन जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे थे बल्कि जो हमारे बाकी के तीन जनरेटिंग फंक्शंस थे F1, F3 एफ थ्री एंड एफ उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मिल रही थी दो उनमें से या तो दोनों का साइन नेगेटिव था या फिर दोनों में से एक का साइन नेगेटिव था अगर आपको याद हो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा जनरेटिंग फंक्शन यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं जिसके लिए यहाँ पर दोनों साइन जो हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं यहाँ भी पॉजिटिव मिलता है यहाँ भी पॉजिटिव मिलता है इसलिए हम f को यहाँ पर f2 ही कंसिडर करेंगे इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे f2 से इस इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो आसान रहेगा और ये इक्वेशन जो है आसानी से सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये साइन जो है हमें यहाँ पॉसि मिलते हैं अगर आपको याद हो नहीं याद है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए आप तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे इस एफ़ की जगह एफ़ टू पुट कर देंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग सेवन इन सिक्स वी गेट एच प्लस करली बाय करली टी यहाँ पर एफ की जगह हमने लिख दिया एफ टू हमने एफ को एफ टू एज्यूम कर लिया जो कि फंक्शन है स्मॉल क्यूब के कैपिटल पी के एंड टी का इक्वल टू जीरो इसको हमें टेंथ इक्वेशन दे दिया अब यहाँ पर इतना स्पेस क्यों छोड़ा है मैंने वो इसलिए छोड़ा है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जो एच होता है वो किन किन वेरिएबल्स का फंक्शन होता है आप जानते हैं जो हैमल्टोनियन फंक्शन होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो कौन कौन से होते हैं वो होते हैं स्मॉल क्यूब के स्मॉल पी के एंड टी बट हमें पता है पी के जो है वो कर ली एफ टू बाई करली क्यूके है तो इस पी के की जगह हम कर ली एफ टू बाई करली क्यूके पुट कर देंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग एट इन टेन यूजिंग एट इन टेन वी गेट एच क्यूके इस पी के की जगह हम पुट कर देंगे कर्ली एफ टू बाय करली क्यूके और टी हमारा ऐसे ही रहेगा ये वाला प्लस कर्ली एफ टू बाय कर ली टी इज इक्वल टू जीरो इसको हम दे देते हैं इलेवंथ इक्वेशन तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं हमें पता है हमने एफ को क्या लिया है एफ टू के पी के कॉमा टी लिया है अगर हम दोनों तरफ टाइम डिफ्रेंसिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा ये वो देखते हैं एफ का टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू अब हमें इसका टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है वो हम कैसे करेंगे समेशन के पहले एफ टू का पार्शियल डेरिवेटिव होगा फर्स्ट वेरिएबल क्यूके के रिस्पेक्ट में कर लिए f2 बाय कर लिए क्योंकि फिर हमें यहां पर qk का टाइम डेरिवेटिव लेना होगा जो कि होगा qk डॉट प्लस फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे f2 का विद सेकंड वेरिएबल जो कि है कैपिटल pk कैपिटल pk फिर pk का टाइम डेरिवेटिव हमें करना होगा मल्टीप्लाई में जो कि होगा pk डॉट प्लस फिर हमें f2 का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा टी के रिस्पेक्ट में जो कि होगा कर लिए हफ टू बाई कर लिए टी फिर हमें टी का टाइम डेरिवेटिव करना होगा जो कि होगा डी टी एप डी टी और डी टी एप डी टी जो है वो वन हो जाएगा तो स्टूडेंट्स इसको मैं दे देता हूँ अपनी इक्वेशन नंबर ट्वेल्व तो इक्वेशन नंबर ट्वेल्व और इक्वेशन नंबर इलेवन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको ट्वेल्थ इक्वेशन में हल्का सा करेक्शन करना होगा हमने यहां पर एफ टू का टाइम डिफ्रेंशिएशन किया था तो ये जो फंक्शन हमने लिया था वो एफ टू फंक्शन था एफ टू जो फंक्शन था वो था फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल स्मॉल क्यू के कैपिटल पी के एंड टी तो यहां पर कैपिटल एफ टू लिखेंगे तो यहां पर कैपिटल एफ टू आएगा तो ट्वेल्थ इक्वेशन तक हम यहां तक सॉल्व कर चुके थे यहां पर एफ टू लिखेंगे आप ना कि एफ तो आइए इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं देखिए करली एफ टू बाय करली क्यू के लिखा है यहां पर बट फ्रॉम एटथ इक्वेशन कर ली एफ टू बाय कर ली क्यूके किसके बराबर था स्मॉल पीके के बराबर था तो यहाँ पर आप स्मॉल पी के लिख देंगे क्यूके डॉट ऐसे ही रहेगा प्लस अब जो पी के डॉट था वो जीरो था अगर हम एच डैश को जीरो कर रहे थे तो पी के डॉट जो है वो जीरो निकल के आ रहा था तो ये टर्म जो है वो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी क्योंकि पी के डॉट जो है वो जीरो है अब बारी है कर ली एफ टू बाय कर ली टी की अगर हम इलेवंथ इक्वेशन को देखें इलेवंथ इक्वेशन है हमारे पास h प्लस कर करली एफ टू बाई करली टी इज इक्वल टू जीरो तो यहां से कर करली एफ टू बाई ली टी की वैल्यू आ जाएगी जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच आ जाएगी कर कर्ली एफ टू बाई ली टी जो है वो क्या है करली एफ टू बाय ली टी है इक्वल टू माइनस एच फ्रॉम इक्वेशन इलेवन तो कर्ली एफ टू बाय ली टी की जगह हमने माइनस एच पुट कर दिया तो यहां से प्लस जीरो मैं यहां से हटा देता हूं माइनस एच को उसके साथ देता ऐसे। तो students, ये K, -K -K. तो ये ये देखिए पर हमारे पास क्या बन रहा है किसका फॉर्मूला होता है students? अगर आपको पिछले वीडियोस देखे आपने introduction हुए आपने इंट्रोडक्शन देखा हुआ है का, तो आपको यहां पर क्लियरली यहां पर नजर आ रहा होगा कि दिस इज लगरंजियन ऑफ द सिस्टम तो ये टर्म जो है वो लगरंजियन ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है तो इस की जगह हम एल लिख देंगे तो डी एफ टू बाई डी टी जो है वो एल के बराबर आ गया। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो यहां से, से वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी इसको हम क्या बोलते हैं टाइम इंटीग्रल ऑफ लग को हम बोलते हैं एक्शन ऑफ द सिस्टम जिसको हम एस से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर एस जो है वो है एक्शन ऑफ द सिस्टम और इसी एक्शन ऑफ द सिस्टम से मिस इसी टाइम इंटीग्रल से हम हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल को डिड्यूस करते थे तो इस एस को यहाँ पर हम बोलते हैं हेमल्टनस प्रिंसिपल फंक्शन क्योंकि इसी हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन एस से मिस इस इंटीग्रल से हम हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल जो है वो ड्राइव करते थे तो आप नीचे एक लाइन लिखेंगे एंड इज नोन एज हैम प्रिंसिपल फंक्शन इन रिलेशन टू हैमिल्स वेरिएशनल प्रिंसिपल तो यहां से एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो हमारा एफ टू होगा जो कि फंक्शन था किसका qk पी के एंड टी का वो यहां पर हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन एस कहलाया जाएगा एफ टू को अब हम एस से डिनोट करेंगे और ये भी फंक्शन होगा क्यूके कैपिटल पी के एंड टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्टीन और इसी को आगे यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन एफ़ टू होगा वो और कुछ नहीं हमारा एक्शन एस होगा फॉर द सिस्टम और इसी एस को हम मींस इसी एफ को हम बोलते हैं हमल्टन प्रिंसिपल फंक्शन क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम हेमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल जो है वो सॉल्व कर रहे थे बाय यूजिंग द इंटीग्रल एल डी टी जो कि एस के बराबर निकल के आया था फॉर सिंपलिसिटी हम एफ टू को एस भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैं वेरिएबल्स नहीं लिख रहा साथ में ब्रैकेट में मैं सिंपली लिख रहा हूँ एफ टू इक्वल टू एस और एस क्या है यहाँ पर हेमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन इसको हमने थर्टींथ इक्वेशन नाम दिया था तो अगर हम

एफ टू की जगह अगर हम यहाँ पर एस पुट कर दें जो हमें मिल जाएगा कर ली एस बाय कर ली क्यूके दैट विल बी इक्वल टू पी के ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आगे काफ़ी बार यूज होगी इसको हम फिफ्टीन इक्वेशन दे देते हैं ये जो आप फोर्टीन इक्वेशन देख रहे हैं ये है आपकी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन इसी को हम बोलते हैं हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर कितने वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं यहाँ पर एन प्लस वन वेरिएबल्स अपेयर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्यू के की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी फ्रॉम क्यू वन टू क्यू एन तो एन क्यू केज होंगे हमारे पास और एक टाइम वेरिएबल है यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेशन फोर्टीन इज नोन एज हैमल्टन जैकोबी इक्वेशन विच इज़ पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन खिलाई जाती है आप ऑर्डर देख सकते हैं करली बाय करली टी है यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है और साथ के साथ यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं एन प्लस वन वेरिएबल्स हैं यहाँ पर एन वेरिएबल्स कौन से होंगे क्यू वन से लेके क्यू एन तक और साथ में एक टाइम टी वेरिएबल भी है तो अगर कोई आपसे एम सी क्यूज में अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन होती है उसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं तो एन प्लस वन वेरिएबल्स होते हैं कितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एंड दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो स्टूडेंट्स अब जो फोर्टीन इक्वेशन होगी इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने फाइंड की हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो कि कुछ इस प्रकार से थी एच के कॉमा कर बाय करलियली के कॉमा टी प्लस कर करलियस बाय करली टी इक्वल टू जीरो इसको हमने फोर्टींथ इक्वेशन दिया था और ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इन एन प्लस वन वेरिएबल्स एन वेरिएबल्स क्यूके के टर्म्स में और एक वेरिएबल टाइम टी के टर्म्स में अब हम फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन तो आप हेडिंग बनाएंगे सॉल्यूशन ऑफ एच जेड इक्वेशन हेमल्टन जो भी इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एच जेड इक्वेशन लिखेंगे अब जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 14 का वो हमें एस की वैल्यू देगा मीन्स हैमल्टन प्रिंसिपल फंक्शन की वैल्यू देगा आइए देखते हैं लाइंस क्या लिखेंगे आप द सॉल्यूशन ऑफ एच जेड इक्वेशन फोर्टीन इज कॉल्ड हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन एस इसको सॉल्व करके हमें एस की वैल्यू मिलेगी जो कि होता है हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन इफ वी इंटीग्रेट इक्वेशन फोर्टीन द सोल्यूशन एस डिपेंड्स ऑन ऑल कोऑर्डिनेट्स क्यू के टाइम टी एंड ऑल्सो इन्वॉल्व एन प्लस वन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा वन अल्फा टू अपू अल्फा एन प्लस वन अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा और कितनी बार इंटीग्रेट करना होगा जितने इसमें वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं इसमें एन प्लस वन वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं तो इसे हमें एन प्लस वन बार इंटीग्रेट करना होगा और हर एक बार जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलता है और जब आप एन प्लस वन बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एन प्लस वन कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन मिलेंगे जिनको हमने डिनोट किया है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू टू अल्फ़ा एन प्लस वन से और साथ के साथ एस जो है वो फंक्शन होगा किस किस का क्यू का और टाइम टी का क्योंकि यहाँ पर क्यूके भी अपीयर हो रहा है और टाइम टी भी अपीयर हो रहा है तो फोर्टीन इक्वेशन के सोल्यूशन को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एस विल बी अ फंक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स का भी फंक्शन होगा क्योंकि यहां पर क्यूके अपियर हो रहा है और वो एन नंबर में है तो हमने क्यू एन तक लिया है और क्योंकि इसे हमें एन प्लस वन टाइम्स इंटीग्रेट करना हो रहा है तो यहां पर एन प्लस वन कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखने होंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन अल्फा एन प्लस वन और साथ में टाइम टी भी लिखना होगा बट क्या ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इक्वेशन नंबर फिफ्टीन क्या ये इक्वेशन नंबर सिक्सटीन है क्योंकि फिफ्टीन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो जो हमने सोल्यूशन लिखा है इक्वेशन नंबर सिक्सटीन की फॉर्म में क्या वो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है क्या वो इसका कंप्लीट सोल्यूशन है तो स्टूडेंट्स पिक्चर अभी बाकी है तो इसमें हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा और वो मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको कौन कौन सी लाइंस यहाँ पर लिखनी होंगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो फोर्टीन इक्वेशन का मीन्स हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा उसमें एन नंबर ऑफ क्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे साथ में एन प्लस वन कॉन्सटेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगे और साथ में टी होगा इसको हमने सिक्सटीन इक्वेशन दिया था बट जो हमारे पास एन कॉन्सटेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम अल्फ़ा वन टू अल्फ़ा एन प्लस वन इनमें से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा इरेवलेंट होगा उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा वो एक एडिटिव कांस्टेंट की तरह अपीयर होगा क्योंकि यहाँ पर जो एस है वो डायरेक्टली अपीयर नहीं हो रहा है इट इज़ अपीयरिंग एज टाइम डेरिवेटिव ऑफ टाइम एंड पार्शल डेरिवेटिव ऑफ़ qk की फॉर्म में अपीयर हो रहा है तो अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन एस है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन एस प्लस अल्फा भी होगा तो मीन्स ये जो अल्फा है ये जो एक्स्ट्रा कॉन्सटेंट आ रहा है इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं एडिटिव कॉन्स्टेंट और कहने का मतलब ये है कि इन एन प्लस वन कॉन्सटेंट्स में से हम जो आखिरी कॉन्स्टेंट है अल्फा एन प्लस वन जो कि इस फॉर्म में अपीयर होगा उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर एस सोल्यूशन है इक इस इक्वेशन का तो एस प्लस अल्फ़ा भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन जरूर होगा तो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर हाउ एवर आउट ऑफ द एन प्लस वन कॉन्सटेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन वन कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इरेवेलेंट टू द सोल्यूशन ये जो हमारे पास एन प्लस वन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं इंटीग्रेट करके इन एन प्लस वन वेरिएबल्स को एन प्लस वन पार्शल डेरिवेटिव्स को तो उनमें से एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो सोल्यूशन में इरेवेलेंट होगा उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा वो इस इक्वेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अगर आप लाइन लिखेंगे एज इफ़ एस इज अ सोलूशन ऑफ इक्वेशन फोर्टीन देन एस प्लस अल्फा इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फोर्टीन अगर एस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एस प्लस अल्फ़ा भी सेटिस्फाई करेगा तो इस अल्फा का कोई मतलब नहीं रह जाता और इस अल्फ़ा को हम मान लेते हैं कि वो अल्फ़ा एन प्लस वन है ये वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो इस फॉर्म में अपीयर हो रहा है एडिटिव कांस्टेंट की फॉर्म में अपीयर हो रहा है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो अल्फ़ा एन प्लस वन को हम छोड़ देंगे उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं स्किप भी कर सकते हैं तो इक्वेशन सिक्सटीन को हम दोबारा से लिख सकते हैं इक्वेशन फोर्टीन हैंस hence... इक्वेशन सिक्सटीन कैन बी री रिटर्न एस तो इक्वेशन सिक्सटीन को हम री रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से अल्फ़ा एन प्लस वन गायब कर सकते हैं तो हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा फोर्टीन इक्वेशन का वो कुछ इस प्रकार से होगा एस इज इक्वल टू एस क्यू वन क्यू टू अप टू क्यू एन अल्फ़ा वन अल्फा टू अल्फ़ा एन कॉमा टी यहाँ से हमने अल्फ़ा एन प्लस वन जो है वो ड्रॉप कर दिया और वो ड्रॉप करने के लिए आपको इन लाइन्स का सहारा लेना होगा बट स्टूडेंट्स जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा मैकेनिकल प्रॉब्लम का वो कैसे मिलेगा हमें जब हम स्मॉल q एंड स्मॉल p की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा जो कि हमारे कांस्टेंट न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे और वो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड करनी है स्मॉल क्यू के एंड स्मॉल पी के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स अल्फ़ा के एंड बीटा के जो कि हमारे और कुछ नहीं न्यू सेट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं पी के एंड क्यू के तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे आइए वो देखते हैं अभी हमने फिफ्टी इक्वेशन लिखी थी पिछले कुछ सेक्शंस में जो कि थी पी के इज इक्वल टू करली एस बाय करली के इसको ऐसे ही रहने देते हैं ये फिफ्टींथ इक्वेशन है एक नाइन्थ इक्वेशन थी हमारी अगर आपको याद हो तो वो थी कैपिटल क्यू के इज इक्वल टू करली एफ टू बाई करली पी के बट हमारा कैपिटल क्यू के जो कॉन्स्टेंट है और उस कॉन्स्टेंट को हमने क्या लिया था स्टार्टिंग के सेक्शंस में बीटा के लिया था तो क्यू के की जगह बीटा के रख दो एफ टू हमारा क्या है एफ़ टू हमारा एस के बराबर है जो कि फंक्शन है पी के सॉरी QK कैपिटल पी के एंड टी का बट पी के क्या है अल्फा के है तो इस पी के की जगह और इस पी के की जगह अल्फा के पुट कर दो तो एफ टू हो जाएगा क्यू के कॉमा अल्फ़ा के कॉमा टी दैट विल बी इक्वल टू एस क्यूके अल्फा के कॉमा टी तो यहाँ पर इस एफ टू की जगह हम रखेंगे QK एस ऑफ क्यू के अल्फ़ा के टी और यहाँ पर भी एस के साथ हम लिख देंगे QK अल्फ़ा के एंड टी तो स्टूडेंट्स अगर हम ये जो हमारे पास एटीनथ इक्वेशन आई है और पी के हमारा अल्फा के के बराबर है तो बीटा के हमारे पास आ गया कर लिया बाय कर लिया अल्फा के तो ये जो एटीनथ इक्वेशन है ये एन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को बता रही है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें तो हमें क्यू के की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा के बीटा के एन टी तो आप लाइन लिखेंगे इक्वेशन 18 ऑन इंटीग्रेटिंग भी लिख सकते हैं आप गिफ्ट क्यू के इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा के बीटा के एन टी तो यहाँ से आपको क्यू के मिल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो क्यूके फंक्शन होगा हमारे पास अल्फा के का बीटा के का एंड टी का तो क्यू के तो हमें मिल गया पोजिशन कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज अल्फा के एंड बीटा के जो कि हैं कैपिटल पी के एंड कैपिटल क्यू के जो कि कांस्टेंट्स हैं विद टाइम ये नाइनटीन इक्वेशन है अगर हम इन क्यूके की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें यहाँ पुट कर दें यहाँ पुट कर दें तो इसको सॉल्व करके हमें पी के मिल जाएगा पी के भी फंक्शन किसका होगा जिसका फंक्शन क्यूके है क्योंकि हमने क्यूके को सबसे चूट कर देना यहाँ पर क्यूके फंक्शन अल्फा के बीटा के एंड टी का तो पी के भी फंक्शन हो जाएगा किसका अल्फा के बीटा के एंड टी का तो इसको सॉल्व करके अगर हम यहाँ पर क्यूके की वैल्यूज पुट कर दें नाइनटीन इक्वेशन से फिफ्टींथ में तो हमें पी के मिल जाएगा ऑन सब्सिट्यूटिंग नाइनटीन इन फिफ्टीन वी गेट पी के इन टर्म्स ऑफ अल्फा के बीटा के एन टी तो आपको पी के यहाँ से मिलेगा पी के इज इक् फंक्शन ऑफ अल्फा के बीटा के एंड टी ये हमारी ट्वेंटीथ इक्वेशन होगी तो नाइनटीन और ट्वेंटीथ इक्वेशन से हमें क्यू के एंड पी के की वैल्यूज मिलगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स अल्फा के एंड बीटा के एंड टाइम टी और इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके हम अपनी मैकेनिकल प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 19 एंड 20 कॉन्स्टिट्यूट द डिजायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम तो ये टॉपिक जो है आपको यहाँ तक करना है ये था स्टूडेंट्स आपका हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन और उसका सोल्यूशन हमने साथ में देखा कि हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है तो स्टूडेंट्स ये तो था आपके पास हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी और हैमिल्टन जैकोबी मेथड का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन ड्राइव की हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन जाना उसका सोल्यूशन देखा और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये वाला अप्रोच यूज़ करते हुए हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं दैट विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो तो स्टूडेंट्स मिलेंगे सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय यूजिंग हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन वीडियो के साथ तिलदेन टेक के आय